नहीं ये किरण वर्मा का है, उसका दिया उर्मिला जी को बाद में बोलवाना, अध्यक्षता है किरण यादव जी, रजनी यादव जी, दीपा गौर जी, सभी जितनी मंच में मंत्री मेरी बहन है छोटी बड़ी सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और यदि बाबा जी आप आए हैं, आपने धन की स्थापना की है, तो बाबा जी आप मंदिर में जाइए। हमको पढ़ा लिखा इंसान हमें मुख्यमंत्री चाहिए, जो हमारे अखिलेश भैया है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, उन्होंने कितने काम किए हैं ये शायद मुझे आज आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा जी आप जाइए और घंटा ही बजाइए मंदिर में। एक काम किया है आपने, राशन वितरित किया है, आप बोल के देखिए कोई बीमार मत पड़िएगा, प्लीज आप जो है बीजेपी का नमक मत खाइएगा, आप बोल के देखिए उसमें भी बालू मिला के दी है। बाकी आज मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहूंगी, जिम्मी जी को, और अपनी वाणी को विराम लेते हुए सभी का अभिवादन समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए बोलेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो मैं ये थोड़ा सा बताऊंगी मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में कि बोलते हैं कि ये जब से ये गवर्नमेंट आई है धर्म चला। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस धर्म में लिखा है रात में अंतिम संस्कार करना। आपने देखा होगा हाथरस की जो घटना घटी है उसमें रात में अंतिम संस्कार किया गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी या आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ऐसा हमारे किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। लेकिन बाबा जी कहते इतनी मूसलाधार बारिश में भी इतने सारे लोग, एक जन सैलाब हमें सुनने आया है, अखिलेश यादव जी की बात सुनने आया है। समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, बना रही है ये देखते हुए। पहले भी बुंदेलखंड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, अपार जन समर्थन मिला था। कल तो प्रधानमंत्री खाली कुर्सी देखकर वापस चले गए थे पंजाब में। तो आज ये उत्तर प्रदेश का जवाब है कि लोग बारिश में भी अगर कोई उनका हो, उनका अपना हो, तो उसको सुनते हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा यहाँ पर लोगों की लड़ाई समझ में आ रही है, बुंदेलखंड यहाँ पर क्या कहना है कि किसको ज्यादा बहुमत मिलेगा? बुंदेलखंड की सब सीटें हम जीतेंगे, हमारा मजबूत संगठन है, हम लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी कठिनाई समझते हैं। छुट्टा पशुओं को यहाँ कठिनाई है, रोजगार की कठिनाई है, बुंदेलखंड को एक विकास का पहिया दोबारा हमें शुरू करना है। यहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, सड़कें हमने बनाई, तो हम सरकार बनाएंगे, अपने काम के बल पर बनाएंगे। जी सबको एक भी सीट नहीं, हार जीत होती रहती है, जनता आज हमारे साथ है, हम जनता को समझाने में कामयाब हुए हैं। इस सरकार का झूठ, इस सरकार का फरेब जनता देख चुकी है, इस सरकार की संवेदनहीनता और महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवस्था है वो भी जनता देख चुकी है। अखिलेश यादव जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और सरकार हम बनाएंगे। जूही जी आप महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी कितनी महिलाओं को प्रदेश में चुनाव लड़ा है? समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक महिला प्रत्याशी आवेदक हैं और हम हर महिला को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन जितनी भी महिला, आप संतुष्ट रहेंगे जब नंबर निकल के आएगा कि हम बड़ी मात्रा में सहभागिता होगी महिलाओं की, टिकटों में भी और संगठन में भी, अन्य पदों पर भी। प्रियंका जी का कहना है कि आधी आबादी उनके साथ है, ऐसे में सपा के साथ कितनी मिला? किसका कहना है? उनको मैं जानती नहीं हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी को जानती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की बात करती हूँ, कोई होंगी नेता। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी विधानसभा चुनाव? हमको लक्ष्य दिया है जनता ने 400 प्लस का, लेकिन हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है।